दोस्तों, मुंबई के क्रूज पर ड्रग्स पार्टी में पकड़े गए बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एनसीबी के सोर्सेस के मुताबिक आर्यन ने कस्टडी में पूछताछ के दौरान ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो पिछले 4 सालों से ड्रग्स ले रहे हैं। उसने ना सिर्फ भारत में बल्कि दुबई, यूके और बाकी के देशों में भी ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि अरबाज मर्चेंट भी आर्यन के साथ लगातार ड्रग्स लेते रहे हैं। अब जिस तरीके से एनसीबी शाहरुख खान के बेटे को लेकर खुला से करती नजर आ रही है कि वो पिछले 4 सालों से ड्रग्स ले रहा है, ऐसे में शाहरुख खान के बेटे की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ सकती हैं क्योंकि ड्रग्स लेना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। अगर ये बात साबित हो जाती है तो ऐसे में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि यह खबर भी सामने आई है कि पूछताछ के दौरान आर्यन खान लगातार रो रहे थे, जिसके बाद उनकी शाहरुख खान से फोन पर बात भी कराई। ये भी सामने आया है कि शाहरुख खान और गौरी को भी आर्यन के ड्रग्स लेने की जानकारी थी। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान और गौरी खान को पता था कि उनका बेटा आर्यन ड्रग्स लेता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको रोक नहीं पा रहे थे और यही वजह है कि वो पिछले 4 सालों से ड्रग्स की लत में पड़ा हुआ था। ये खुलासा किया है एनसीबी के सोर्सेज ने कि किस तरीके से पूछताछ के दौरान आर्यन बार बार फूट फूट कर रो रहे थे और यही कह रहे थे कि हाँ, मैंने गलती कर दी है, मुझसे गलती हो गई है, मैं पिछले 4 सालों से ड्रग्स ले रहा हूँ। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत एनसीबी ने अपने लैंडलाइन फोन से करीब 2 मिनट तक आर्यन की शाहरुख खान से बात कराई। मिली जानकारी के मुताबिक आर्यन खान लगातार पूछताछ में रो रहे थे और उसने कबूल किया है कि पिछले 4 सालों से वो अलग अलग तरह के ड्रग्स ले रहा था। उसने भारत में ही नहीं बल्कि यूके, दुबई और बाकी के देशों में भी ड्रग्स का इस्तेमाल किया है।